क्राफ्टिंग नीडल्स में खुश आमदीद आज आपके लिए ये बहुत खूबसूरत बेबी वेस्ट लेकर आई हूँ बेबी बॉय की ये वेस्ट है और ये इसका ऊपर मैंने कार का एक मोटिव भी लगाया है तो ये वेस्ट बहुत इजी है बिगनर लेवल के लोग भी इसको बहुत आसानी न। से बना सकते हैं इस वेस्ट को हम बैक साइड से स्टार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर इसको बुनते हुए यहाँ ऊपर तक आएंगे और फिर इसका जो है ये लेफ्ट पार्ट बनाएंगे और फिर इसका ये राइट पार्ट बनाएंगे तो देखते हैं इस वेस्ट को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है नौ नंबर की नीडल चाहिए मुझे एक स्टिच होल्डर चाहिए कुछ बटन चाहिए सेम कलर के और एक स्टिच मार्कर चाहिए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो इस वेस्ट के लिए मैं अपनी नीडल पर 52 पंदे कास्ट ऑन करूँगी और इसके लिए मैंने दो सिलाइयों को मिलाकर पकड़ा है और इसके ऊपर मैं फंदे कास्ट ऑन करूंगी ऐसे दो सिलाइयों को इकट्ठा पकड़ के तो इनके ऊपर फंदे डाल लूँगी तो 52 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद मैं एक नीडल को यूं स्लाइड करके इसमें से ऐसे निकाल लूंगी जब भी हमने बगैर बॉर्डर के कोई वेस्ट या कार्डिगन या स्वेटर बनाना होता है तो हम डबल नीडल के साथ जो है फंदे कास्ट ऑन करते हैं इसलिए कि हमारा नीचे से फिर ये जो किनारा है ये खिंचा उगा नहीं आता अब मैं जो फर्स्ट रो है इसको सीधा बुन लूंगी पहला फंदा स्लिप कर लूँगी और पूरी रो को सीधा बुन लूंगी फर्स्ट रो को सीधा बुनने के बाद अब से, सेकेंड रो राइट साइड पर हम आगे हैं पहला बंदा स्लिप करेंगे और सात फंदे सीधे बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठवां फंदा हम उल्टा बुनेंगे और फिर थर्टी फोर फंदे सीधे बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस तो ये अगला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और धागा पीछे ले जाके बाकी के आठ फंदे सीधे बुन लेंगे तो ये देखिए व्यूर्स हमने इस तरह से किया है फिफ्टी टू फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं और जिसमें से पहले आठ फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं एक फंदा मैंने उल्टा बुना है थर्टी फोर फंदे सीधे बुने हैं एक फंदा फिर से उल्टा बुना है और आठ फंदे फिर से सीधे बुने हैं तो ये हमारे टोटल फिफ्टी टू फंदे हैं तो अब देखिए ये हमारी निटिंग की थर्ड ड्रॉ है पहला फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे दो तीन चार पाँच छः सात तो ये टोटल हमारे पास आठ फंदे हो गए जो मैंने किनारे के रखे थे और ये फंदा जो हमने सेकंड रॉ में उल्टा बुना था इसको अब हम सीधा बुनेंगे इस साइड से तो यहाँ से नीडल डाल के नहीं बल्कि इसके नीचे से नीडल डाल के इस तरह से ये जो होल है इसमें से नीडल डाल के ऐसे सीधा बुनेंगे और बकाया थर्टी फ़ोर पंदे फिर से सीधे बुन लेंगे थर्टी फोर पंदे सीधे बुनने के बाद अब ये वही पंदा आ गया है जो हमने सेकेंड रो में उल्टा बुना था यहाँ पे हमने इसको सीधा बुनना है लेकिन यहाँ से नहीं बुनना बल्कि नीचे नीचे इस होल में नीडल डाल के इसको सीधा बुन लेंगे और बकाया आठ फंदे सीधे बुन लेंगे तो इन्हीं दो रोज को मैं बार बार रिपीट करके अपने वेस्ट की लेंथ 28 सेंटीमीटर लंबी बना लूंगी तो ये देखें व्यूअर्स मैंने 28 सेंटीमीटर इस वेस्ट की लंबाई को कंप्लीट कर लिया है और ये जो उल्टा उल्टा फंदा हमने बुना था ये देखें इतना अच्छा लुक ये दे रहा है तो अब देखिए अब हमने क्या करना है अब देखिए हम बुनाई करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो यहाँ पे सेवनटीन फंदे इस तरफ और सेवनटीन फंदे इस तरफ रख के तो हमारे पास सेवनटीन प्लस सेवनटीन हमारे पास हो जाएंगे थर्टी फोर और फिफ्टी टू में से माइनस करेंगे जब थर्टी फोर तो हमारे पास आ जाएंगे एटीन फंदे तो सेंटर में एटीन फंदे हमने ये बाइंड ऑफ कर देने हैं और सेवनटीन फंदे जो हैं दोनों साइडों पे रखेंगे ये हमारे राइट right और लेफ्ट साइड का फ्रंट बनेगा तो ये देखें मैं 17 फंदे यहाँ से बुन के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो ये सेवेंटीन फंदे मैंने यहाँ पे भूल लिए हैं और अब मैं एटीन फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दूँगी एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अठारह फंदे माइंड ऑफ कर दिए मैंने ये सेंटर में से ये हमारा जो है वो नेक का एरिया बनेगा और यहाँ पे भी मैं ये सेवेंटीन फंदे जो हैं इनको बुन लूँगी उसी तरह से जिस तरह पहले बुनते आई हूं ये सीधे फंदे बुने हैं और ये जो सीधा फंधा है इसको यहाँ की बजाय नीचे से बुनेंगे इस तरह अब हमने क्या करना है इन्हीं सेवनटीन फंदों को मैं इसी साइड के पहले 17 फंदों को बुनूंगी और आ, लेफ्ट साइड का जो फ्रंट है वो पहले बनाऊंगी वैसे ये हमारी राइट साइड पे है लेकिन जब ये बन के इस तरफ आएगा तो ये लेफ्ट साइड का फ्रंट बनेगा और ये राइट साइड का फ्रंट तो लेफ्ट साइड का फ्रंट मैं इसलिए बनाऊँगी मैं बेबी बॉय की वेस्ट बना रही हूँ तो पहले लेफ्ट साइड का बनाऊँगी ताकि मुझे बटन का जो है वो पता चल जाए कि मैंने कितने कितने फासले पर नीटिंग में काज बनाने हैं बटन्स के लिए यानी बटन होल्स बनाने हैं तो सेवनटीन फंदे मैं बुन लूँगी और यहाँ पे मैं चौदह इस तरह की रिजेस बनाऊँगी ये उल्टी उल्टी रोज चौदह बनाऊंगी ये देखें और बैक साइड से इसको दोबारा बुनने से पहले मैं पहले इसको ये जो बंदे हैं इसको अपनी नीडल से स्टिच होल्डर पे उतार दूंगी ताकि ये हमारी निटिंग में बार बार आके हमें डिस्टर्बेंस ना पैदा करें तो ये इन फंदों को मैंने ये स्टिच होल्डर पे उतार दिया पहला फंदा स्लिप करेंगे और सात फंदे सीधे बुन लेंगे ये और ये वाला फंदा नीचे से नीडल डाल के बुनेंगे सीधा फंदा उसके बाद आठ फंदे सीधे बुन लेंगे तो ये टोटल हमारे पास सेवेंटीन फंदे हैं। तो इसी तरह बुनते हुए इसी तरह आ, राइट साइड से और रॉन्ग साइड से बुनते हुए मैं इस तरह की फोटीन रिजेस बना लूंगी तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पे फोर्टीन रिजेस ये बना ली हैं और अब देखें अब हमने क्या करना है हमारे पास यहाँ पे सेवेंटीन फंदे हैं टोटल और एट फंदे इस तरफ हैं एट फंदे इस तरफ हैं और दरम्यान में ये हमारा उल्टा उल्टा फंदा है तो अब हम क्या करेंगे इस एट फंदों को हम बटन पट्टी के तौर पे ले लेंगे और ये उल्टा फंदा इस बटन पट्टी की साइड पे ले जाएंगे यानी इस साइड पे। ये उल्टा फंदा इस साइड पे चला जाएगा बटन पट्टी के साथ और यहाँ पर हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे यार्न ओवर करके यहाँ पे होल बनेंगे और फंदे इंक्रीज होंगे यार्न ओवर करके यार्न ओवर की वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं तो अब देखिए हमने किस तरह से यारन ओवर करके यहाँ पे फंदे इंक्रीज करने हैं और टोटल हमने फंदे जो इंक्रीज करने हैं यहाँ पर हमने हमें चाहिए यहाँ पे पट्टी के फ्रंट के आ, लिए हमें लेफ़्ट और राइट फ्रंट के लिए हमें चाहिए यहाँ पर थर्टी फंदे इस वक्त हमारे पास सेवनटीन फंदे हैं और हमें चाहिए थर्टी फंदे और सॉरी माइनस करेंगे इसमें से तो हमें तेरह होल्स यहाँ पे इस तरह के बनाने पड़ेंगे फंदे इंक्रीज करने के लिए तो चलें इसको शुरू करते हैं पहला फंदा हम स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे तीन चार पाँच छ सात अब ये हमारा वो वाला पंदा आ गया है जो राइट साइड से हम उल्टा बुनते हैं और बैक साइड से हम इसको सीधा बुनते हैं तो अब हमने यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है और इसको हमने दूसरी तरफ पटन पट्टी की साइड पे ले जाना है तो हम यहाँ पे बल कैसे डालेंगे ऐसे फिर से एक बार देखें ऐसे बल डाल के तो इस उल्टे फंदे को भी हम ऐसे बुन लेंगे और फिर हम अपने बाकी के आठ फंदे सीधे बुन लेंगे रॉन्ग साइड से देखें हमने कैसे करना है पहला फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुनेंगे और ये जो उल्टा फंदा हमने बनाया है जिस तरह हम पीछे से बनाते आ रहे हैं इसको जब सीधा बनाएंगे तो नीचे से बुनेंगे और ये वाला जो हमारा बलडला है यहाँ पे इसको सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास नाइन फंदे हो गए हैं सीधे उल्टे फंदे के बाद पहले आठ फंदे थे अब हमारे पास नौ फंदे हो गए क्योंकि एक फंदा यार्न ओवर करके हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है अब फिर से हम राइट साइड की रॉ पर आ गए हैं पहला फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे और जो हमने इंक्रीज करना है वो हमने गले की पट्टी के साथ इंक्रीज नहीं करना उसके साथ हम ये उल्टा उल्टा फंदा लेके जाएंगे हमने इंक्रीजिंग जो करनी है वो हमने आर्म होल की साइड पे जो पट्टी है उसके साथ करेंगे टर्न ओवर करेंगे एक फंदा सीधा आगे हमारा ये उल्टा फंदा आ रहा है इसको हम उसी तरह उल्टा बुनेंगे और आठ फंदे सीधे बुन लेंगे पहला बंदा स्लिप करेंगे सात बंदे सीधे बुनेंगे सीधा बंदा जो है इसको उसी तरह नीचे से नीडल डाल के बुनेंगे और ये बाकी के दस बंदे अब यहाँ पे हमारे पास दो बंदे इंक्रीज हुए हैं यार्न ओवर करके तो ये दस हो गए हैं पहले आठ थे दो बंदे इंक्रीज हो गए तो ये दस हो गए अब देखिए अब हमने फिर फंदा इंक्रीज करना है थर्टीन फंदे हमने इंक्रीज करने हैं तभी हमारे ये थर्टी फंदे हो जाएंगे ये हमने पहला फंदा स्लिप किया और सात फंदे बुन लिए बल डालेंगे नीडल पे और इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे अब ये हमारा वही उल्टा फंदा है इसको हम चार आगे ला के उल्टा बुनेंगे और बाकी के आठ फंदों को सीधा बुन देंगे रॉन्ग साइड से देखें पहला फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे सीधा फंदा नीचे से नीडल डाल के बुनेंगे यहाँ पे अब हमारे इंक्रीज किए हुए फंदे तीन हो गए हैं तो यहाँ पे टोटल हमारे पास सीधे फंदे ग्यारह हो गए हैं तो ये देखें कुछ रिपीट्स के बाद हमारे पास ये इस तरह का दिखेगा अब देखिए दिखे, हमें टोटल यहाँ पे तेरह बार यारन ओवर करना है तीन बार मैं कर चुकी हूँ दस बार और करके फिर आपसे मिलती हूँ तो ये मैंने थर्टीन फंदे यहाँ पे यारन ओवर करके इंक्रीज़ कर लिए हैं अब जो है मुझे कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना और अब मैं नॉर्मल इसको सीधा बुनती जाऊँगी ये वाला फंदा उल्टा बुन के और बाकी फंदे सीधे बुन के तो देखें इस वक्त मेरी डीजल पे थर्टी फंदे हो गए हैं दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये उल्टा फंदा हम धागा आगे के उल्टा बुन लेंगे बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस और रॉन्ग साइड से उसी तरह बुनेंगे ये जो सीधा फंधा है इसको नीचे से बुनेंगे और हम पूरी इसकी यहाँ तक लंबाई को लंबाई के जितना इसको बुन के बाइंड ऑफ कर देंगे तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड का फ्रंट मेरा कंप्लीट हो गया है अब मैं देखिए टेन सेंटीमीटर आर्म होल का रख के तो यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी जब हम सिलाई करेंगे तो हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे अच्छा अब हम जो है अपने पंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमारी लेंथ पूरी हो गई है तो फंदों को किस तरह से बाइंड ऑफ़ करना है बाइंड ऑफ़ करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमें यहाँ पे लूज़ बाइंड ऑफ चाहिए इसलिए कि हम ये हमारे आ, इसकी बॉटम साइड है कार्डिगन की तो आप इसको हम कैसे करेंगे टू बाय टू में इसको बाइंड ऑफ़ करेंगे फिर से इस फंदे को इस नीडल पे चढ़ा लेंगे और इस तरह से इसको दो का एक बना देंगे देखिए फिर से वापस उसी नीडल पे डालेंगे दो का एक बनाएंगे इस तरह से जब हम हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो हमारे बहुत लूज़ लूज से फंदे बाइंड ऑफ होते हैं मैं अभी आपको ये पूरे बंद करके दिखाती हूँ वापस से उस नीडल पे डालेंगे और दो फंदों को इकट्ठा बुन देंगे इस तरह नीडल पे डाल के इसको इकट्ठा कर देंगे ये तो इस तरह जब भी हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो हमारे काफ़ी लूज से फंदे बाइंड ऑफ होते हैं खींचे खींचे से नहीं आते जिस तरह हमने जब बैक साइड से फंदे कास्ट ऑन किए थे तब भी हमने दो नीडल्स को इकट्ठा रख के तो फंदे कास्ट ऑन किए थे ताकि हमारा नीचे से वो खींचा हुआ ना बने क्योंकि हमने नीचे बॉर्डर नहीं बनाया तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ से लूज चाहिए तो ये हम अपने पूरे थर्टी फंदे बाइंड ऑफ़ कर देंगे यहाँ टू बाई टू तो आपने भी इसी तरह से पंदे बाइंड ऑफ करने हैं ये देखिए कितना अच्छा ये सारा हो गया है यहाँ से मैं धागा कट करूँगी इसको थोड़ा सा लूज़ करके इसमें से ऐसे और इसको नीडल के साथ इसके अंदर टक कर दूँगी अब हमने आ, लेफ्ट साइड की तरह ही आ, राइट साइड का जो है वो अपना पार्ट जो है वो बनाना है तो सबसे पहले मैं स्टिच मार्कर से फंदे नीडल के ऊपर डाल लूँगी ये हमारे 17 फंदे हैं यहां पर अब मैं थ्रेड अटैच करूंगी देखें आठ फंदे सीधे बुन लेंगे और ये दरमियान वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे फिर उसके बाद आठ फंदे सीधे बुन लेंगे बैक साइड से फिर एक फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुनेंगे और सीधे फंदे को नीचे से बुनेंगे और ये आठ फंदे सीधे बुन लेंगे तो इसी तरह बुनते हुए जिस तरह हमने यहां पर इस साइड पे फोर्टीन रिजिस बनाई थी इसी तरह मैं इस तरफ भी फोर्टीन रिजेस बना लूंगी तो ये देखिए मैंने इधर भी फोर्टीन रिजिट ये उल्टी उल्टी लाइनें ये बना ली हैं और अब जो है हमने यहाँ पे जिस तरह इस तरफ फंदे हमने यार्न ओवर करके इंक्रीज़ किए थे इसी तरह हमने इस तरफ फंदे इंक्रीज करने हैं पहले हमारे यार्न ओवर जो थे वो राइट साइड की तरफ थे अब हमारे यार्न ओवर लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएंगे तो देखिए इसको किस तरह से हमने करना है पहला फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात और पहले हमने यार्न ओवर पहले किया था और उल्टा फंदा बाद में बुना था अब हम उल्टा फंदा पहले बुनेंगे और यार्न ओवर जो है इसके बाद करेंगे इस तरह से और आठ फंदे सीधे बुन देंगे रॉन्ग साइड से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे यारण वाला फंदा भी सीधा बुन लेंगे और ये वाला फंदा हम नीचे से नीडल डाल के सीधा फंदा बुनेंगे जिस तरह से हम पहले बुनते आए उसके बाद बटन पट्टी के आठ फंदे सीधे बुन देंगे फिर से एक बार देखिए पहला फंदा सीधा उतारेंगे सात फंदे सीधे बुन लेंगे सात फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे लेके जाएंगे और ये यार्न ओवर वाला फंदा भी जो पिछली रॉ में हमने यार्ड ओवर किया था वो बुनेंगे और अब आठ फंदों से पहले यार्ड ओवर करेंगे और आठ फंदे सीधे बुन देंगे रॉन्ग साइड उसी तरह जिस तरह हमने पिछली रो बनाई है रॉन्ग साइड की रो हम उसी तरह से बना लेंगे ये वाला फंदा सीधा नीचे से बुनेंगे उसके बाद बटन पट्टी के फंदे बुन देंगे पहला फंदा सीधा बुनेंगे सीधा उतार लेंगे सॉरी उसका सीधा बिना बुने उतार लेंगे आठ फंदे सीधे बुन लेंगे गा अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे और यहां पर आठ फंदों से पहले यार्न ओवर करेंगे तो ये देखें पहले हमारे यार्न ओवर इन आठ फंदों के साथ थे अभी भी हमारे जो है यार्न ओवर इन्हीं आर्म होल वाली साइड की जो पट्टी है उन्हीं फंदों के साथ है लेकिन ये लेफ्ट और राइट का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा यहां से सीधा पंधा नीचे से नीडल डाल के बुनेंगे आठ सीधे बंदे। तो ये देखें इसी तरह बुनते हुए जब मेरे यहाँ पर टेन ओवर बन जाएंगे तो फिर मैं बटन पट्टी का जो है बटन होल बनाऊंगी यहाँ पे तो ये देखें व्यूअर्स यहाँ पर अब मैं बटन होल बनाऊँगी ये मेरे ट्वेल्व फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए हैं तो अब यहाँ पे मैं बटन होल बनाऊँगी तो देखिए वो किस तरह से बनाना है हमने पहला फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा बुन लेंगे और दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से और यार्न ओवर करेंगे तो ये जो फंदा हमारा यहाँ पे कम हुआ है जो हमने दो का एक बनाया है यार से ये फंदा पूरा हो गया दो तो फंदे सीधे बुन लेंगे एक फंदा उल्टा बुन लेंगे तो ये देखें ये हमारा यहाँ पे एक बटन होल बन गया फंदे बारह फंदे सीधे बुन लेंगे और ये हमारी यहाँ पे लास्ट यार्न ओवर इंक्रीज है इसके बाद हम सीधी सीधी बुनाई करके जिस तरह हमने लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाया था वेस्ट का इसी तरह हम राइट साइड का भी वेस्ट का पार्ट बना के तो अपने फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे तो अब हमने ये इसको सीधा सीधा बुनाया है जिस तरह हमने फंदे इंक्रीज़ होने के बाद लेफ़्ट साइड के पार्ट को बुना था तो ये देखिए व्यूअर्स ये यहाँ पे हमने बटन होल के लिए यहाँ पे एक यान ओवर करके और एक दो का एक बना के फंदा हमने बना लिया अब हम बिल्कुल इसको इसमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे फंदे इसको सीधा बुनते जाएंगे और थोड़े थोड़े फ़ासले पर इक्वली जो है बटन होल बना लेंगे और एंड पे जो है जब हमारी लेंथ यहाँ तक पूरी हो जाएगी तो हम बाइंड ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने राइट साइड का पार्ट भी आ, कंप्लीट करके आ, इसकी लेंथ पूरी करके तो यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिया है अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आएंगे यहाँ जो टेल छोड़ी थी उसका धागा हम लेंगे अपनी नीडल में डाल लेंगे और सबसे पहले ये देखें इसमें डालेंगे ऐसे इसको यूं करके उठाएंगे, फिर अपना ये जो उभरा हुआ बंदा भी नज़र आ रहा है इसको उठाएंगे, इस तरह से तो इसी तरह मैं दोनों साइड से इस साइड से भी और इस साइड से भी स्टिच करके तो फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे मोटिव तो ये देखिए व्यूअर्स हमारी वेस्ट बन के तैयार है और मैंने इसमें ये कार का मोटिव भी ऐड किया है और बटन भी लगा दिए हैं कार के मोटिव की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि इसको इस मोटिव को किस तरह से बनाना है तो इस कार्डिगन के साथ मैं बहुत जल्द जो है वो आपको सिंपल से बहुत आसान से बूटी बनाना भी सिखाऊंगी और आ, आ, इसके साथ एक कैप बनाना भी सिखाऊंगी तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें मेरी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो जल्द अज जल्द पहुँचें तो उम्मीद है आज की ये आपको कार, कार्डिगन या वेस्ट की वीडियो बहुत आसान और अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर इसको ट्राई भी करेंगे तो इन मुझे अपनी दुआ में याद रखिए अगली वीडियो तक के लिए हाफिज़